सुंदर कार्यक्रम आप सभी ने संपूर्ण रात्रि सुना है। आदेश हुआ है सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत नमन करते हुए आज के मुख्य कलाकार हमारे परम सम्मानीय श्री लालमन चंचल जी, बहन नीलम विश्वकर्मा जी, बड़े भैया श्री सुरेश सरगम जी, नटखट जी, शंभू हलचल जी, समस्त परिचित अपरिचित कलाकार साथी बंधु और इस आयोजक समिति के सदस्य सभी ने एक से बढ़कर एक प्रसंग रात्रि भर में सुने हैं। बेहतरीन प्रसंगों के साथ अभी बिल्कुल अंत में हमारे बड़े भैया 2021 का आगमन और 2020 की विदाई भी बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल गा के गए हैं। भगवान कन्हैया लाल का एक चित्र आप सभी को कटपीस के रूप में दिखाया है। बिना किसी विलंब के कार्यक्रम का बिल्कुल भोर की बेला है और परम पूज्य गुरुदेव इसके बाद आएंगे। अपनी ओर से बिना किसी भूमिका, बिना किसी विलंब के आप सभी की सेवा और यहाँ की हाजिरी प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो भी त्रुटियां मुझसे हो जाएं, एक नादान अबोध समझकर क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। क्या बात है भाई। हर तरह के गीत आप सभी को हमारे कलाकारों ने सुनाए हैं। एक गीत मैं आपकी सेवा में रख रहा हूं, प्रयास रहेगा शायद अच्छा लगे। आप सभी का जाना माना प्रसंग है। हो दुशासन ही हार के है शर्मिंदाज, क्या क्या बात, लूट ना पाया वो बली एक अबला की लाज। पूरा प्रयास किया द्रौपदी के चीर हरण करने का, लेकिन नहीं कर पाया। अब देखिए, जब नहीं कर पाया, द्रौपदी बेहोश स्थिति में है और जब उसको होश आता है तो होता क्या है? क्या पत्थर दिल जाए दहल, पत्थर दिल जाए दहल, दिल में वो तूफान एक हताहत सिंहनी क्या बात, गर्जी सिंह
समान एक हताहत सिंहनी गर्जी सिंह समान। आपको वहीं हस्तिनापुर की सभा का एक चित्र दिखा रहा हूं। उससे पहले फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, कौन सा? अरे बातों बातों में क्या बदले, क्या ढोलक बजा रहे बटे, बहुत सुंदर बहुत। फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बातों बातों में जाने क्या हुआ है, बातों बातों में जाने क्या हुआ है, हो तेरे नैन हो तेरे तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, तेरे रहे। हस्तिनापुर की वो राज्यसभा जहां द्रौपदी बेहोशी की अवस्था से उठती है और देखती है कि गणों में वहां पर विराजमान सभासद अलग अलग समूहों में बैठे हुए हैं। द्रौपदी को कुछ होश आया तो देखिए सोचती है, कहती क्या है, हो इनकी महे इनके नैन इनके नैन उनके नैन देखते रहे, हो इनके नैन उनके नैन देखते रहे, और शकुनी मामा संग हमारे परम सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया श्री टिंकू गोस्वामी जी पत्रकार, आपकी ओर से ये स्नेहिल भेंट बहुमूल्य 201 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हैं, कोटि कोटि धन्यवाद है, आभार है। सोचती है वो द्रौपदी, हो इनके नैन उनके नैन देखते रहे, और द्रोणाचारी
पितामह भी बैठे रहे। एक समूह देखा जिसमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, द्रोणाचारी पितामह भी बैठे रहे। भीगी पलकों में नैना समेटे रहे। कुछ भी ना किया। द्रोणाचारी पितामह भी बैठे रहे। भीगी पलकों में नैना समेटे रहे। और कुलवधु द्रौपदी बेबसन हो रही। कुलवधु द्रौपदी बेबसन हो रही। ये विदुर दिल पे दामन लपेटे रहे। हस्तिनापुर द्रौपदी तो एक समूह और बैठा हुआ है। उसके अपने पांच पतियों का, अपने पांचों पतियों को जब निहारा तो देखिए मन में सोचती है क्या। कोई गदाधर रहा, कोई धनुर्धर रहा। मेरे पांचों पति, कोई गदाधर रहा, कोई धनुर्धर रहा। नीची नजरें रही और झुका सर रहा। कुछ भी ना कहा इन पांचों ने। क्यों? कहने को तो मेरे पांच प्रीतम रहे। कहने को तो मेरे पांच प्रीतम रहे। इनका होना ना होना बराबर रहा। इनका होना ना होना बराबर रहा। इनका होना ना होना बराबर रहा। कहने को तो मेरे पांच प्रीतम रहे। इनका होना ना होना बराबर रहा। क्या बात। पांचों पतियों ने कुछ भी ना कहा। रहे इनके ने
द्रौपदी ने कुछ कदम और बढ़ाए। कुछ कदम और बढ़ाए, एक समूह और मिला, जहां दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन बैठे हुए हैं। क्या बात है। जब उस समूह को देखा तो द्रौपदी के मन में विचार आया, ये बहुमूल्य और अमूल्य, बहुमूल्य सुभाषी परम पूज्य गुरुदेव श्री दीक्षित जी के द्वारा प्रदत्त है, कोटि कोटि नमन, चरणों में वंदन है। और ये हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री सुदेश सरगम जी द्वारा 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट है। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद है। आप सभी का आशीष सदैव बना रहे। देखा उन पांचों को, चारों को जब देखा तो द्रौपदी कहती है, खींचता सर से साड़ी दुशासन रहा, खींचता तन से साड़ी दुशासन रहा, देखता मौन ये सारा शासन रहा। ये पापी दुशासन मेरे तन से सारी खींचता रहा और ये सारे सभासद चुपचाप देखते रहे। देखिए हुआ, खींचता सर से सारी दुशासन रहा, देखता मौन ये सारा शासन रहा। और आंख होते भी अंधा बना हर कोई, आंख होते भी अंधा हुआ हर कोई, क्योंकि अंधे का अंधा प्रशासन रहा। हमारी छोटी बहन परम सम्मानीय नीलम विश्वकर्मा जी की ओर से एक भारी भरकम पारितोषक भेंट है। आपके स्नेह को सिरोधार करते हुए बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं भेंट है, धन्यवाद है। अंतिम पंक्तियां आप सभी के समक्ष निवेदित कर रहा हूं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अच्छा लगेगा। जब सारे समूहों को देखती हुई द्रौपदी और आगे बढ़ी, याद आई भगवान कन्हैया लाल की, तो देखिए सोचती क्या है। क्या याद आई कि जब सारी खिंच रही थी तो इस सभा में बोलने वाला कोई नहीं था, टोकने वाला कोई नहीं था, तब सहारा मिला केवल कन्हैया लाल का। तो कहती है द्रौपदी, क्या गम के दरिया yeah!
सोचती है क्या? गम के दरिया की धारा प्रवाहित रही, मेरे आंसू ना रुके, लेकिन लेकिन गम के दरिया की धारा प्रवाहित रही। एक अबला की आशा यथावत रही। हुआ क्या? क्या मेरा भैया कन्हैया सलामत रहे जी, मेरा भैया कन्हैया सलामत रहे, जिसके होते ये सारी सलामत रही। भैया कन्हैया सलामत रहे, जिसके होते ये सारी सलामत रही। और मेरा भाई यहां नहीं था, लेकिन दूर रह के मुझे अबोध से हो गई हो, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप सभी कलाकारों के समक्ष मैं तो एक सूर्य के सामने दीप जैसा हूं, तो निश्चित है कि गलतियां हुई होंगी। क्षमा करें, क्षमा करें, धन्यवाद है, कोटि कोटि वंदन है। और अब मैं आमंत्रित करता हूं परम पूज्य